राष्ट्रीय हिंदी दैनिक धरोहर में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। मिजोरम में 75 मरीजों में कोविड 19 के 3 वेरिएंट से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग भी हुआ चिंतित। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पेगासन जासूसी मामला, SIT जांच की मांग को लेकर याचिका दायर। पेगासन के जरिए भारत में 300 से अधिक मोबाइल नंबर किए गए थे हैक। विधायक एटगलों के बीच बोले येदियुरप्पा, कहा आला कमान के निर्देश का पालन करने को हूं तैयार। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी सांसदों का प्रदर्शन, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक रहेगी स्थगित। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ FIR हुई दर्ज, बिल्डर से 15 करोड़ रुपए मांगे थे रंगधारे। कोविड-19 में एक दिन में सामने आए 41,383 नए मामले, संक्रमण से 507 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के कसारा घाट में भारी बारिश से भूखलन, यूपी बिहार समेत कई राज्यों के लिए ट्रेन सेवा हुई ठप। महाराष्ट्र में कोरोना की टीके के दोनों डोज ले चुके लोगों को मिले बाहर जाने की अनुमति, बोले अजीत पवार। यूपी के लखनऊ में क्राइम ब्रांच ने ठगी करने वाले 4 को दबोचा, गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बनकर करोड़ों की करते थे ठगी। योगी आदित्यनाथ का ऐलान, यूपी की हर ग्राम पंचायत में बनेगा ग्राम सचिवालय, 1.2 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, कहा नौकरियां बेचने वालों के मंसूबे नहीं होंगे कामयाब, होगी कड़ी कार्रवाई। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया बाल सेवा योजना का शुभारंभ, 176 बच्चों को मिली आर्थिक सहायता। आज से जंतर मंतर पर किसानों का डेरा, पुलिस के घेरे में सिंधूर बॉर्डर से आए आंदोलनकारी। दिल्ली दंगा की पड़ताल में हालचाल पर अदालत ने पुलिस को लगाई फटकार, कहा पुलिस ने निचली अदालत के समक्ष कोई खुलासा क्यों नहीं पेश किया। दिल्ली के कारोबारी हैं परेशान, बाजार में नहीं है सामानों की मांग, फैक्ट्रियों में बंदी की नौबत, कोविड की वजह से थम चुका है कारोबार। सरकार का खुलासा, कहा राजधानी में ब्लैक हंगर से अब तक 250 की गई जान। भारतीय रेल की नई पहल, ट्रेन में मिलेगा हर घर जैसा अनुभव, पर्यटकों के लिए आने वाला है रेल का। पेगासन फोन हैकिंग मामले में देहरादून में कांग्रेस का राजभवन घेराव, अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड में बारिश से आफत, 35 घंटे बाद खुला टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे, लेकिन खतरे से खाली नहीं है अभी आवाजाही। उत्तराखंड में 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं स्कूल, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिए संकेत। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश जारी, बद्री केदारनाथ गंगोत्री पिथौरागढ़ हाईवे हुआ बंद, कई वाहन फंसे। मोटर वाहन अधिनियम में हुआ बदलाव, अब एम्बुलेंस को पास नहीं दिया तो लगेगा 15,000 का जुर्माना। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास 2 बार दिखा ड्रोन, सेना और पुलिस का तलाशी अभियान जारी। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर होंगे माता के दर्शन, नवरात्र में मिलेगी सुविधा, कई स्थानों पर लगेगी वीडियो वॉल। जम्मू कश्मीर में अब प्रदेश की बेटियों को मिली बड़ी राहत, बाहर के राज्यों में शादी पर पति भी होंगे डोमिसाइल के हकदार।